हेलो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे साइनोसिस के बारे में तो अब व्हाट इज साइनोसिस तो साइनोसिस एक ग्रीक वर्ड साइन से डिराइव किया गया है एंड साइन का मतलब होता है ब्लू देयरफॉर साइनोसिस मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन होना डेफिनेशन में भी यही बताया गया है डेफिनेशन स्टेट्स दैट साइनोसिस इज द ब्लूस्ट डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन पर अब डेफिनेशन फिर भी इनकम्प्लीट है क्योंकि हमने अभी तक इसका कॉज नहीं लिखा है देर फोर दिस ब्लूज डिस्कलरेशन इज कॉज बाय इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन दैट इज अबाउ फोर ग्राम परसेंट इन द सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स मतलब ये जो ब्लूज डिस्कलरेशन हो रहा है स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन का वो रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बढ़ जाने की वजह से हो रहा है अब रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन हमारे नॉर्मल ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसा नहीं होता वो वो हीमोग्लोबिन है जो ऑलरेडी ड्यू टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस रिड्यूस हो चुका है एंड देयरफॉर उसका जो कलर है वो नॉर्मली रेड ना होते हुए ब्लू होता है जैसा कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं जो डिस्टल मोस्ट पार्ट है फिंगर्स का वहाँ पर हमें ब्लूइश डिस्कलरेशन दिख रहा है तो साइनोसिस के बेसिकली टू टाइप्स होते हैं एंड जो हमें ये डिस्कलरेशन इस इमेज में दिख रहा है वो पेरीफेरल साइनोसिस का एग्जाम्पल है हम साइनोसिस के दोनों टाइप्स जो सेंट्रल एंड पेरिफेरल है आने वाली स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे फिलहाल के लिए इस इमेज को हमें ध्यान से देखना है एंड नेक्स्ट टाइम हम जब भी साइनोसिस देखें तो ये याद रखना है कि जब भी पेरीफेरी के पार्ट्स इन्वॉल्व हो सिर्फ तो वो पेरीफेरल साइनोसिस कहलाता है तो अब हम देखते हैं कि हम एग्जैक्टली exactly कहाँ पर साइनोसिस देख पाते हैं मतलब जब हम क्लिनिकली किसी पेशेंट को देखें तो कौन से बॉडी पार्ट्स पर एग्जैक्टली exactly हमें साइनोसिस देखना है तो सबसे पहले हम लिप्स पर इसे देख सकते हैं इसके अलावा नेल बेड्स पर मालार एरिया जो कि जैगोमेटिक बोन को रिप्रेजेंट करता है बायलैटरली ईयर लोब्स इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ओरल कैविटी ये जो भी पार्ट्स मैंने अभी डिस्क्राइब किए हम यहाँ पे इन जनरल साइनोसिस देख सकते हैं आगे वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द बॉडी हम कैसे सेंट्रल एंड पेरिफेरल साइनोसिस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ साइनोसिस साइनोसिस दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है जिसमें से फर्स्ट है सेंट्रल साइनोसिस एंड सेकेंड है पेरीफेरल साइनोसिस इसके अलावा मिक्स्ड साइनोसिस भी एक वेरिएंट है बट सेंट्रल एंड पेरिफेरल साइनोसिस इंपॉर्टेंट है एंड आगे वाली स्लाइड्स में हम इन दोनों को थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो अब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे सेंट्रल साइनोसिस को तो सबसे पहले कमिंग टू द कॉज ऑफ सेंट्रल साइनोसिस सेंट्रल साइनोसिस होता है ड्यू टू तो इम्परफेक्ट ऑक्सीजन सेचुरेशन मतलब कि जब बॉडी में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है या ऑक्सीजन जितना रिक्वायर्ड होता है उससे काफ़ी कम लेवल में प्रेजेंट होता है तो उसकी वजह से हमें बॉडी में या म्यूकस मेम्रिन में कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं जो कि होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन इसे ही हम सेंट्रल साइनोसिस कहते हैं इसके अलावा अगर बॉडी में किसी तरह का कोई अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है जैसे कि मिथ हीमोग्लोबिन या सल्फ ऐसे केसेस में भी हमें सेंट्रल साइनोसिस देखने के लिए मिल सकता है तो अब हम बात करेंगे कि सेंट्रल साइनोसिस हमें एक्जैक्टली exactly कहाँ देखना है तो सेंट्रल साइनोसिस हमें टंग स्किन एंड नेल बेड पर देखने के लिए मिलेगा अगर इसके अलावा कहीं और हमें साइनोसिस मिल रहा है तो वो पेरिफेरल साइनोसिस होगा तो अब हम बात करेंगे साइनोसिस के सेकेंड वेरिएंट की जो है पेरिफेरल साइनोसिस तो पेरिफेरल साइनोसिस ऑकर्स ड्यू टू एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द कैपिलरीज व्हेन द ब्लड फ्लो इज स्लो इसका ये मतलब है कि जब ऑक्सीजन कैपिलरी से बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सट्रैक्ट होने लगता है तब हमें पेरिफेरल साइनोसिस देखने मिलता है एंड ये तभी पॉसिबल है जब ब्लड का फ्लो थोड़ा सा स्लगिश हो जाए जब बॉडी में ब्लड का फ्लो थोड़ा स्लगिश हो जाता है तो ऑक्सीजन डिमांड्स वेरियस बॉडी पार्ट्स की फुलफ़िल करने के लिए हमारे पेरिफेरल कैपेरी कैपिलरी ब्लड से बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन एक्स्ट्रैक्ट होने लगता है ऐसे केसेस में हमें पेरिफेरल साइनोसिस देखने के लिए मिल सकता है तो अब हम बात करेंगे कि पेरिफेरल साइनोसिस हमें कहाँ दिखता है। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था इसका जो नाम है वही इंडिकेट करेगा कि हम इस टाइप का साइनोसिस कहाँ देख पाएंगे तो पेरिफेरल साइनोसिस हमें बॉडी की मोस्ट पेरिफेरल पार्ट्स मतलब कि एक्सट्रीमिटीज में दिखेगा और ये ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन में हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा तो ये वन ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर है सेंट्रल एंड पेरिफेरल साइनोसिस का अभी तक हमने साइनोसिस के दो मोस्ट कॉमन वेरिएंट्स डिस्कस कर लिए हैं सेंट्रल एंड पेरिफेरल पर इसके अलावा कुछ टेक्स्ट बुक्स में मिक्स साइनोसिस भी मैंशनड होता है तो मिक्स साइनोसिस क्या है मिक्स साइनोसिस बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है सेंट्रल एंड पेरिफेरल साइनोसिस का जिसमें हमें इम्परफेक्ट ऑक्सीजन सेचुरेशन भी मिलेगा इसके साथ साथ ब्लड में से या हम कह सकते हैं कैपलीज कैपिलरीज में से बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट होगा तो इन दोनों काजेस को लेकर हम इसकी पॉसिबल इटियोलॉजी भी गेस कर सकते हैं जो कार्डियक फेलियर हो सकता है क्योंकि कार्डियक फेलियर में ना सिर्फ ऑक्सीजन नेशन इम्पेयर्ड रहता है टिश्यूज़ में पर इसके अलावा वेरियस बॉडी पार्ट्स की जो मेटाबॉलिक डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि हार्ट फेल कर रहा होता है एज अ पंप टू एफिशेंटली पम्प द ब्लड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इसलिए जो पेरीफरल कैपलरीज है उनमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन विड्रॉ किया जाता है एंड उसे सिस्टमिक सर्क्यूलेशन की तरफ लाया जाता है उस ब्लड को जिसकी वजह से साइनोसिस देखने मिलता है हमें तो अब हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल साइनोसिस के कॉजेस तो इसमें सबसे पहले हायर अल्टीट्यूड अब हमने जैसे कि पहले पढ़ा था सेंट्रल साइनोसिस होता है ड्यू टू इम्परफेक्ट ऑक्सीजन सेचुरेशन तो जैसे ही हम किसी हायर अल्टीट्यूड वाली जगह पर जाते हैं तो जो ऑक्सीजन कंटेंट है ब्लड का वो हल्का सा चेंज हो जाता है इसकी वजह से हमें सेंट्रल साइनोसिस देखने मिल सकता है इस सबके अलावा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की वजह से भी सेंट्रल साइनोसिस होता है इसका रीज़न ये है कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का जो मेन कंपोनेंट होता है जो पैथोलॉजी होती है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लंग्स से रिलेटेड होती है एंड अगर लंग्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में ठीक तरह से पहुंच नहीं पाएगा जिसकी वजह से हमें सेंट्रल साइनोसिस मिलेगा कार्डियक डिसऑर्डर्स मे बी सेम थियरी अप्लाई होती है एज दैट ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स मतलब अगर हार्ट में कोई इश्यू है या हार्ट में ऑक्सीजनेटेड या एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहीं मिक्स हो रहा है ड्यू टू तो शंटिंग और एनी अदर कॉज इसकी वजह से भी हमें सेंट्रल साइनोसिस मिल सकता है एंड द लास्ट वन इज अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन अब अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन ही अब नॉर्मल है तो वो डायरेक्टली हमारे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को हिंडर कर सकता है इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है सेंट्रल साइनोसिस का तो अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी डिसीजिस की जिनकी वजह से हमें सेंट्रल साइनोसिस देखने के लिए मिलेगा इन्हें याद रखने के लिए हमें सिर्फ बेसिक पैथोलॉजी याद रखनी है सेंट्रल साइनोसिस की जो कि है इम्परफेक्ट ऑक्सीजन सेचुरेशन अब कोई भी क्रॉनिक लंग डिसीज़ होगी तभी इम्परफेक्ट ऑक्सीजन सैचुरेशन पॉसिबल है देरफोर इसकी जो एग्जाम्पल्स रहेंगे वो क्रॉनिक लंग डिसीज ही रहेगी जैसे कि सी ओ पी डी एक्सटेंसिव न्यूमोनिया पलमनरी एडिमन पलमनरी एम्बोलिज्म इसके बाद हम चलते हैं कार्डियक डिसीज़ की तरफ तो कार्डियक डिसीज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है साइनोटिक हार्ट डिसीज विच कंसिस्ट ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट एंड एसिन मैंगर सिंड्रोम इसके अलावा हार्ट फेलियर की वजह से भी हमें सेंट्रल साइनोसिस देखने के लिए मिलेगा अब जो साइनोटिक हार्ट डिसीज़ेस है इनमें हमें साइनोसिस के साथ साथ क्लबिंग भी देखने के लिए मिलता है क्योंकि जो पार्ट अफेक्टेड है वहाँ पे वो ना सिर्फ लंग्स है बट इसके साथ हार्ट भी इन्वाल्ड है देयरफॉर हमें क्लबिंग एंड साइनोसिस दोनों एक साथ मिलेंगे इन दोनों कंडीशंस में इसके अलावा जो हार्ट फेलियर है वो मिक्स साइनोसिस का वेरिएंट है देयरफॉर वो हम सेंट्रल एंड पेरिफेरल साइनोसिस दोनों की ईटियोलॉजी में मेंशन कर सकते हैं इस स्लाइड में हम एक पिक्चर देख पा रहे हैं जो है एक पेशेंट की जिसमें हमें मार्क ब्लूश डिस्कलरेशन दिख रहा है एक्चुअली दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मिथ हीमोग्लोबिनीमिया जो कि एक ब्लड डिसऑर्डर है ये एग्जाम्पल है अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो हमने सेंट्रल साइनोसिस के अंडर पढ़ा था तो मिथ हीमोगलोबिनीमिया बेसिकली एक कंजेनाइटल या अक्वाड डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड में मिथ हीमोग्लोबिन लेवल वन से ज़्यादा हो जाता है बेसिकली नॉर्मल ह्यूमन्स में भी मिथ हिमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है बट ये बहुत कम क्वांटिटी में होता है अब मिथ हिमोग्लोबिन प्रोड्यूस कैसे होता है नॉर्मली हमारे हीमोग्लोबिन में दो कंपोनेंट्स होते हैं हीम एंड ग्लोबिन हीम कंपोनेंट में जो आयरन प्रेजेंट होता है वो फेरस फॉर्म में होता है बट इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर में वो फेरिक फॉर्म में होता है जिसकी वजह से ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है इसके अलावा जो पेरीफेरल टिश्यूज़ है उनमें भी बहुत कम अमाउंट ऑफ़ ऑक्सीजन डिलीवर हो पाता है क्योंकि हियर द हीमोग्लोबिन इट्सल्फ इज डिफेक्टिव तो अब जो ये इमेज हम देख पा रहे हैं वो है सेकेंड टाइप ऑफ अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन दैट इज सेल्फ हीमोग्लोबिन विच कॉसेज सेल्फ हिमोग्लोबिनिमिया तो सेल्फ हिमोग्लोबिनिया बेसिकली एक बहुत रेयर कंडीशन है जिसमें जो ब्लड का कलर होता है वो ग्रीनिश होता है ना कि नॉर्मल रेड कलर इसका कॉज होता है मेनली जब इन्फेंट्स में ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है सल्फोनोमाइड ड्रग का या फिर अगर ओवर कंजम्पशन हो जाता है किसी वेजिटेबल्स का जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ज़्यादा है एग्जांपल्स स्पिनच तो जो हीमोग्लोबिन बनता है वो नॉर्मल ना बनते हुए सेल्फ हीमोग्लोबिन बनता है सेल्फ हीमोग्लोबिन के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर ऑक्सीजन लेवल थोड़ा भी कम हो जाता है बॉडी में तो साइनोसिस हमें तुरंत देखने के लिए मिलता है एंड इसलिए ऐसे पेशेंट्स में साइनोसिस बहुत कॉमन होता है अब हम डिस्कस करेंगे पेरिफेरल साइनोसिस के कॉजेस बेसिकली इसके चार कॉजेस है जिनमें से फर्स्ट है कोल्ड एक्सपोजर तो कोल्ड एक्सपोजर में होता क्या है नेचुरली एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिसकी वजह से वेसल का जो ल्यूमन डायामीटर है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है मतलब थोड़ा कम हो जाता है इसकी वजह से क्या होगा अगर डायमीटर कम हो जाता है किसी भी वेसल का तो उसमें से जो ब्लड फ्लो है वो भी कम हो जाएगा मतलब देर विल बी अ स्लगिशनेस इन द फ्लो ऑफ द ब्लड ब्लड फ्लो जब भी स्लो होता है तब जो कैपिलरीज है वो कोशिश करती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिराइव करने के लिए एंड हिअर ऑल्सो ड्यू टू द सेम मैकेनिज्म हमें पेरीफेरल साइनोसिस देखने के लिए मिलेगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज है हार्ट फेलियर हार्ट फेलियर मिक्स साइनोसिस का वेरियंट है इसलिए ये सेंट्रल एज वेल एज पेरीफेरल दोनों में हम लिख सकते हैं थर्ड कॉजिस आटेरियल ऑब्स्ट्रक्शन इसका एग्जाम्पल है एथरोस्कैलोसिस जिसमें लिपिड डिपोजिशन हो जाता है वेसल के ल्यूमन में जिसकी वजह से ब्लड फ्लो स्लगिश हो जाता है अब डिपेंडिंग अपॉन द आर्टरी अफेक्टेड जहां पर भी ब्लड फ्लो लगे होगा जिस मेन आर्टरी में उसकी पेरीफेरी में जितनी भी आर्टरी रहेगी वहां पर तो ब्लड ठीक से पहुंच नहीं पाएगा जिसकी वजह से साइनोसिस देखने मिलेगा सेम मैकेनिज्म वीनस ऑब्स्ट्रक्शन में भी रहेगा तो अब हम आते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर इस पूरे टॉपिक के जो है डिफरेंसेस बिटवीन सेंट्रल एंड पेरिफेरल साइनोसिस तो जो सबसे पहला डिफरेंस है वो है इन टर्म्स ऑफ एरिया सेंट्रल साइनोसिस रिलेटिवली जनरलाइज्ड होता है मीनिंग वो हमें जहाँ ब्यूकस मेम्ब्रेन है बॉडी में वहाँ हर जगह दिखेगा एंड पेरिफेरल साइनोसिस लोकलाइज रहता है हमें वो सिर्फ एक्सट्रीमिटीज़ पे दिखता है इसके अलावा सेंट्रल साइनोसिस में ओरल कैविटी स्पेशली टंग इन्वॉल्ड होती है जबकि पेरीफेरल साइनोसिस में ऐसा नहीं होता हैंडशेक सेंट्रल साइनोसिस में हमें वार्म मिलेगा बट पेरिफेरल साइनोसिस में कोल्ड मिलेगा इसका रीज़न वही है बेसिक ईटियोपैथोलॉजी क्योंकि सेंट्रल साइनोसिस में जो है मेन प्रॉब्लम वो ये होती है कि इम्परफेक्ट ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है इसकी वजह से जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो स्टिल मेंटेन रहता है जबकि पेरिफेरल साइनोसिस में हो सकता है कम्प्लीटली एक पार्ट ऑक्सीजन सप्लाई से कट ऑफ ही हो जाए इसके अलावा क्लबिंग हमें सेंट्रल साइनोसिस में मिलेगी हमने जैसे कि पहले देखा था कार्डियक डिसीजेस में जो कि है साइनोटिक हार्ट डिसीज़ फैरडसेट्रोलॉजी एंड एसिड मैंगर सिंड्रोम इनमें हमें कॉनकॉमिनेंटली क्लबिंग भी दिखता है एज वेल एज साइनोसिस भी दिखता है पर पेरिफेरल साइनोसिस एज सच किसी डिसऑर्डर के साथ डायरेक्टली रिलेटेबल नहीं है देयर फोर क्लबिंग भी इसके साथ हमें नहीं देखने मिलती तो अगर हम ऑक्सीजन अप्लाई करते हैं किसी पेशेंट को जिसमें सेंट्रल साइनोसिस है तो अगर वो किसी अंडरलाइंग रेस्पिरेटरी कॉज की वजह से है तो डेफिनेटली पेशेंट में इम्प्रूवमेंट मिलेगा बट पेरिफेरल साइनोसिस में ऐसा नहीं होता है अगर हम पेशेंट को आर्टिफिशियली वम करते हैं तो सेंट्रल साइनोसिस में हमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा पर क्योंकि पेरिफेरल साइनोसिस का एक कॉज हमने पहले डिस्कस किया था जो कि है कोल्ड क्लाइमेट तो ऐसे पेशेंट्स में अगर हम डी व्मिंग करते हैं सॉरी तो, अगर हम वार्मिंग करते हैं तो इम्प्रूवमेंट मिल सकता है कमिंग टू मैकेनिज्म पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं वो तो मैं रिपीट नहीं करूंगी एंड द लास्ट वन इज कैपिलरी रिफिल टाइम कैपिलरी रिफिल टाइम सेंट्रल साइनोसिस में हम लेस देन टू सेकेंड्स रहेगा पर पेरीफेरल साइनोसिस में ये हमेशा मोर देन टू सेकंड्स रहेगा अगेन बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन एटियोपैथोलॉजी ऑफ बोथ द डिसजेस सो दैट वॉज ऑल अबाउट साइनोसिस आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो